महाराष्ट्र के अकोला जिले में महिलाओं की फोटो खींचने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार अकोला के रामनगर लीगल टॉकीज परिसर में नवदुर्गा उत्सव के चलते देवी के पंडाल के सामने गरबा का आयोजन किया गया। वहीं पास में ही लड्ढा नामक व्यक्ति के मकान में पीओपी का काम करने आए उत्तर प्रदेश के 4 मजदूरों पर महिलाओं की फोटो निकलने का संदेह हुआ। वहीं मंडल के लोगों ने उनके मोबाइल की तलाशी ली तो उसमें तकरीबन 250 महिलाओं के फोटो मिले। उसके बाद मंडल के लोगों ने चारों युवकों को सबक सिखाया और सिटी कोतवाली पुलिस के हवाले किया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे रामनगर में पीओपी का ये लोग काम कर रहे थे, लड्डा जी के यहाँ, वसंत लड्डा जी के यहाँ पे। उसके बाद में हमारी एक औरत ने उसको फोटो खींचते हुए देखा, फिर हमारी औरत बोले कि मेरा फोटो क्यों निकाला तूने, फिर मोबाइल हमने वो फोटो ने ऐसे छीने, फिर उसके बाद में हमारे मोबाइल वो मोबाइल में 50-60 लड़की के, हमारे मोहल्ले के लड़की के और किसके औरत के महिलाओं के सब फोटो उसमें दिखे। फिर हमने पुलिस प्रशासन को फोन लगा के बुलाए। पीओपी का काम चालू था और वो पीओपी का काम करने वाले उत्तर प्रदेश के 4 लोग थे। वो महिलाओं के पिछले 4 दिन से अलग अलग एंगल से कम से कम 30-40-50 महिलाओं के, लड़कियों के, बच्चों के, हमारे, उन्होंने महिलाओं के सिर्फ फोटो निकाले। और एक बच्ची के ध्यान में आया कि ये फोटो निकाल रहा, तो हमने उससे पूछे कि भैया तू फोटो क्यों निकाल रहा, तो उसका जवाब जो हमको लगा वो बिल्कुल गलत था और ये लव जिहाद से कनेक्टेड हमको ये माहौल लगा। हमने रामनगर स्टाइल में उसको सबक भी सिखाया।